हाय गाइस, तो रिसेंटली आईवी ने बहुत सारे वैकेंसीज अनाउंस किए हैं, तो आईवी के टेस्ट होंगे एनटीएस के थ्रू। हम इंशाल्लाह आज की वीडियो में एनटीएस का जो टेस्ट पैटर्न है इसको हम कम्प्लीटली देखेंगे। इसके बाद इंशाल्लाह टर्न बाय टर्न हम इन सारे सब्जेक्ट के ऊपर वीडियोज बनाना शुरू करेंगे। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सिलेबस के ऊपर। इस नए सीरीज में हम ए टू जेड इन तमाम टॉपिक्स पे अलग अलग वीडियोज बनाएंगे और बिल्कुल ही डिटेल में वीडियोज बनाएंगे। मैं वीडियो के बजाय वीडियोस वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो इसलिए कि यहाँ पे मल्टीपल वीडियोस बन सकते हैं एक ही सब्जेक्ट पे। जैसे इंग्लिश के ऊपर हो सकता है 3 से 4 वीडियो बने, और इसी तरह मैथमेटिक्स है, इसके ऊपर भी कम से कम आपके पास 2-3 वीडियोस बन सकते हैं। तो इस हवाले से मुख्तलिफ सब्जेक्ट के ऊपर मुख्तलिफ वीडियोस बन सकते हैं। तो चलिए हम जरा पैटर्न को देख लेते हैं पहले। तो सबसे पहले आपके पास है इंग्लिश। इंग्लिश में आपके पास होंगे सिनोनिम, एंटोनिम, इसके बाद आपके पास होगा वॉइस यानी एक्टिव और पेशी वाइज, इसके बाद आपके पास होगा नरेशन यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और लास्ट में इंग्लिश में आपके पास होगा एक पैराग्राफ यानी एक पैसेज आपको दिया जाएगा, और उसके साथ ही आपको 5 क्वेश्चन भी दिए जाएंगे। वो जो 5 क्वेश्चन होगा उन सब के आंसर इसी पैराग्राफ के अंदर मौजूद होगा, आपने उसी में से उन सारों के जवाब फाइंड करने हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि आप ये कैसे करेंगे बहुत कम टाइम में और इजीली। तो इंशाल्लाह हम यहाँ पे बाकायदा प्रैक्टिकल करेंगे सब्जेक्ट वाइज, जब हम वीडियोस बना रहे होगा तो उसमें इंशाल्लाह हम डिटेल में बात करेंगे इन सब के ऊपर। तो दूसरे नंबर पे आपके पास है मैथमेटिक्स। मैथ में आपके पास बिल्कुल बेसिक टाइप के क्वेश्चन होंगे, इसके ऊपर भी हम वीडियोस इंशाल्लाह ज़रूर बनाएंगे, हो सकता है 2 या 3 वीडियो बने इसके ऊपर। बाकी आपके पास है करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स होगा वर्ल्ड वाइड यानी पूरी दुनिया के हवाले होंगे इसमें क्वेश्चन, तो इसके ऊपर भी हम डिटेल में बात करेंगे जब सब्जेक्ट वाइज हम वीडियोस बना रहे होंगे, तो इसमें इसके ऊपर भी हम बात करेंगे इंशाल्लाह डिटेल में। बाकी आपके पास है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज भी जैसा कि आपको पता ही होगा, ये भी वर्ल्ड वाइड आपसे मुख्तलिफ किस्म के सवाल पूछे जा सकते हैं इसमें, इसके ऊपर हाँ बिल्कुल हम बात करेंगे इंशाल्लाह बिल्कुल डिटेल में अभी। इसके बाद पाकिस्तान एंड इस्लामिक स्टडीज है। इसके बाद आपके पास एवरीडे साइंस। एवरीडे साइंस यहाँ पे बाकी जगहों पर इसके क्वेश्चन ना होने के बराबर है, लेकिन एनटीएस में इस हवाले से आपको काफी क्वेश्चन दिया जाता है एवरीडे साइंस के हवाले से, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे इंशाल्लाह बिल्कुल डिटेल में। इसके बाद आपके पास नंबर 7 पे है रीजनिंग। तो रीजनिंग में आपके पास मुख्तलिफ टाइप के रीजनिंग क्वेश्चन आपको दिए जा सकते हैं, जैसे कि ब्लड रिलेशन है, एज प्रॉब्लम है, इसके अलावा आपके पास डिस्टेंस टाइप के क्वेश्चन है, नॉर्थ ईस्ट इस तरह आपको घुमाते हैं। तो इंशाल्लाह इनके ऊपर भी हम बिल्कुल डिटेल में वीडियोज बनाएंगे। इसके बाद आपके पास है नंबर 8 पे कंप्यूटर। कंप्यूटर से भी आपको लाजिम बात है क्वेश्चन होंगे, चाहे आप जीडी के लिए आपने अप्लाई किया है या आपने ओएम के लिए, दोनों के लिए यहाँ से क्वेश्चन जरूर होंगे कंप्यूटर से। 9वें नंबर पे है ट्रांसलेशन। तो यहाँ पे आपको एक उर्दू में पैराग्राफ दिया जाएगा, उस पैराग्राफ को आपने ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। इसमें कौन कौन से रूल फॉलो करेंगे, किस तरह आप इसको आसानी से ट्रांसलेट कर सकेंगे, तो इंशाल्लाह इस हवाले से कुछ टेक्निक्स है मेरे पास, वो मैं टेक्निक्स आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा और इंशाल्लाह आपको इस काबिल बनाऊंगा कि आप इजीली इस चीज को ट्रांसलेट कर सकें। तो लास्ट में आपके पास है एसे राइटिंग। एसे राइटिंग यानी आपने एक एसे लिखना है इंग्लिश में, जिसके मिनिमम वर्ड्स हैं वो आपके पास 200 हैं, और मैक्सिमम के खैर इतना लिमिट है नहीं, लेकिन उनके हिसाब से कम आपके 200 से 250 वर्ड पे मुश्तमिल आपने एक एसे लिखना है। एसे के हवाले से यह कि कुछ मल्टीपल टॉपिक्स के लिए सुटेबल एसे मैंने बना लिए हैं, इंशाल्लाह वो एसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो आप कैसे लिखेंगे उस पर भी हम बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे और बहुत कम टाइम में। चने खास बेसिक रूल्स हैं और कुछ टेक्निक्स हैं, इसको फॉलो करते हुए आप बहुत कम टाइम में ये ऐसे ऐसे भी आप लिख सकोगे। तो इंशाल्लाह इनके ऊपर हम बात करेंगे टर्न बाय टर्न सब के ऊपर डिटेल में। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये नंबर वाइज किस तरह इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। तो इंग्लिश ऑलमोस्ट 40% सिर्फ इंग्लिश के पास है यहाँ पे। मैं एनटीएस की बात करूँ, एनटीएस में ऑलमोस्ट 40% मार्क्स जो है सिर्फ इंग्लिश के पास है। वो इस तरह की ऐसे आपके पास जो ट्रांसलेशन है वो ऑलमोस्ट 10 नंबर के हैं, और ऐसे भी आपके पास 10 नंबर के हैं, और यहाँ पे इंग्लिश आपके पास तकरीबन 20 नंबर के हैं। पहले तो आपके पास सिनोनिम एंटोनिम है, इसके बाद नरेशन है, इसके बाद आपके पास वॉइसिस है, इसके बाद जो आपको पैसेज दिया जाएगा उसके अलग से मार्क्स हैं। तो कुल मिला के यानी आपके पास 40% सिर्फ इंग्लिश के लिए, बाकी मैथमेटिक्स हैं, करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, इसके बाद पाकिस्तान एंड इस्लामिक स्टडीज, ये सब ऑलमोस्ट 10 नंबर के होंगे, और यहाँ पे एवरीडे साइंस है और कंप्यूटर। तो यहाँ से आपके लिए 5-5 के करीब क्वेश्चंस होंगे, तो इस तरह आपके तकरीबन ऑलमोस्ट 100 नंबर हो जाएंगे, और टोटल आपके पास क्वेश्चन होगा 82 आपके पास क्वेश्चंस होंगे। मैं एनटीएस की बात कर रहा हूँ, आपके पास सिर्फ 82 क्वेश्चंस। मुमकिन है आप लोग ये सुन के कन्फ्यूज हो रहा हो
82 क्वेश्चन कैसे, जब जब आपके पास 100 मार्क्स हैं तो 82 क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं? तो 80 नंबर आपके पास सिर्फ एमसीक्यूज के हैं, ठीक है। बाकी ये जो 10-10 नंबर के दो क्वेश्चन हैं, 80 नंबर के तो आपके पास सिर्फ एमसीक्यूज आ गए, बाकी 20 नंबर के आपके पास सिर्फ दो क्वेश्चन हैं, तो ये आपके टोटल बनेगा 82 क्वेश्चन, ठीक है। तो इनशाला इन सब के ऊपर हम बिल्कुल डिटेल में वीडियोस बनाएंगे। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारे जितने भी हम नए वीडियोस अपलोड करेंगे उसका, इस सीरीज के अपलोड करेंगे, आपको उसका फौरन नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही था, तो अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।